हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 से 6 साल की बेबी के लिए डिजाइनर धोती टॉप बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है टॉप के लिए और 1 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है धोती के लिए, और ये लेस अटैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक को सिर्फ 2 फोल्ड करेंगे और इसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंच। शोल्डर ले रही हूँ मैं 5 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 5 इंच। अब इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। यहाँ पर हमें चेस्ट का पार्ट लेना है, तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। जो भी चेस्ट मेजरमेंट हो उसको 4 से डिवाइड करके उसमें प्लस 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। अब इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको पीछे से बैकलेस कम रखना है तो आप 1 इंच पे मार्क करें और यहाँ से इस तरह आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब नेक विड्थ लेनी है, तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 4 इंच। हम नेक पे 1 इंच की लेस अटैच करेंगे, तो बाद में हमारे नेक की ब्रॉडनेस कम हो जाएगी। नेक डीप ले रही हूँ मैं 7 इंच पे। अब इस तरह वी शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये मार्किंग हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो फिर से फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह ये फोल्ड हो जाएगा। पीछे हम बैक साइड इलास्टिक अटैच लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ये जो आर्म होल की लाइन है इसे इस लाइन से मिलाकर रखेंगे। इस तरह, और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और अब नीचे से 5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर की तरफ साइड फोल्ड के लिए। और यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है और ये इस तरह दिखेगा। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। और अब हम धोती की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। अब हम इसे इस कॉर्नर से पकड़ के ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह, और जो साइड का फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी लेंथ आएगी। ये फोल्डेड साइड है और इस तरफ ये ओपन साइड है। हमारी धोती की टोटल लेंथ है 27 इंच। उसमें से हम 4 इंच बेल्ट के लिए निकाल देंगे तो बचेगा 23 इंच। तो हम लेंथ ले रहे हैं 23 इंच पे। अब यहाँ नीचे से पाइचे के लिए मार्क करेंगे 5 इंच पे, और यहाँ से हम आसन के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पे। 1.5 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इस कॉर्नर पर हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। इस तरह हम इसे क्रॉस में कट करेंगे। तो ये हो गई कटिंग। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे आसन की। और यहाँ पाइचे पे भी एक कट का निशान लगा देंगे।
और इस कॉर्नर को भी क्रॉस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो जॉइंट है उसे भी कट कर लेंगे। तो ये धोती की कटिंग हो गई है और ये ओपन होने के बाद इस तरह दिखेगा। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। बेल्ट की लेंथ थी 4 इंच, उसमें प्लस 2 इंच ऐड किया है मैंने मार्जिन, तो होगी 6 इंच। 1.5 इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच लाइन में जाएगा, और विड्थ मैंने ली है 15 इंच। तो अब हम धोती स्टिच करेंगे। तो पहले जो हमने यहाँ कॉर्नर पे कट लगाया था, इसे हम इस तरह मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, अब हमारे यहाँ पे सेंटर में एक प्लीट्स जैसा बन गया है। और अब हम यहाँ इस तरफ प्लीट्स बनाएंगे दोनों तरफ। तो पहले हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। बन गई इक्वल, और अब इस साइड के प्लेट्स का हम उस तरफ रखेंगे। देखिए, हमारी दोनों साइड की प्लीट बन गई है इक्वल एकदम। और अब हम पाइचे को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। देखिए, मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, और अब एक पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट पर रखेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और एक साइड के आसन को मिला के इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारा सेंटर से जॉइंट हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह सीधा, और एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, सिलाई लगा ली है मैंने, और ये हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है। अब इन दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे। मिला के दूसरी तरफ भी आसन पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये इस तरह दिखेगा। अब हम बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड करना है। इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ से हम इसे थोड़ा ओपन रखेंगे। तो देखिए हमारा बेल्ट फोल्ड हो गया है और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक लिया है मैंने और इसकी लेंथ है 19 इंच। इसको हम यहाँ से डालेंगे। इस तरह इसे एक साइड से डाल के हम दूसरी साइड निकाल लेंगे, दूसरी तरफ से इसे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को दूसरी तरफ निकाल लिया है और अब हम इसे मिला के इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है और हमारा इलास्टिक जॉइंट हो गया है। अब जो यहाँ से ये ओपनिंग है इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस पे। तो ये हमारा इलास्टिक लग गया है और अब हम यहाँ पाइचेप की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से एक पाइचे से दूसरे पाइचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। और अब हमारी धोती रेडी है। देखिए इस तरह ये दिखेगी। और अब हम टॉप स्टिच करेंगे। तो ये टॉप है, पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो ये मैंने इसी वी शेप में पट्टी कट की है, इसे नेक पर रखेंगे इस तरह और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह। और ये हमारा वी नेक रेडी है। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो पहले इस लेस को हम इस स्ट्रिप पर रखेंगे उल्टी और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह, सीधा करके इस पट्टी को अंदर करके हम इस लेस पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए हमारी लेस अब पीछे से कवर हो गई है और अब हम इसके टू पीस कर लेंगे। अब हम नेक पे इस लेस को वी शेप में अटैच करेंगे। तो पहले हम ये एक लेस को रखेंगे नेक के नीचे। और यहाँ किनार पे नेक के टॉप स्टिच लगाएंगे। अब दूसरी लेस को हम इस पहले वाली लेस के नीचे रखेंगे इस तरह। इसे हम परफेक्ट वी शेप में सेट करेंगे और इस तरह सेट करके हम पूरे नेक में टॉप स्टिच लगा लेंगे।
देखिए हमारी लेस अटैच। अब इन दोनों शोल्डर को मिला के हम यहाँ जो लेस के कॉर्नर है उसे कट कर लेंगे। तरह दिखेगा हमारा टॉप। और अब हम यहाँ बॉटम में लेस अटैच करेंगे। तो इसे रॉन्ग साइड टर्न करके हम रॉन्ग साइड से लेस को अटैच करेंगे। और अब इस लेस को राइट साइड फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये लेस भी अटैच हो गई है। अब हम दोनों साइड से इसे फोल्ड करेंगे 5 इंच तक, जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड फोल्ड कर दी है। और अब हम यहाँ आर्म होल के पास पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको यहाँ हम आर्म होल के नीचे रखेंगे इस तरह और सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को आगे की तरफ राइट साइड फोल्ड करेंगे और इसे इस तरफ फोल्ड करके पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरह पट्टी लगा ली है। और अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने बैक पार्ट में भी दोनों साइड और बॉटम फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे टॉप की विड्थ है 15 इंच। तो हम 10 इंच का इलास्टिक इसमें लगाएंगे। पहले इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। इसे यहां से डालकर दूसरी साइड से निकाल लेंगे। और अब दोनों साइड इलास्टिक पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम टॉप पार्ट पर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर हम दोनों साइड ज्वाइंट कर लेंगे।
जहाँ तक हमने फोल्ड किया है सिलाई वहीं तक लगाएंगे। देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब हमारा टॉप भी रेडी है। अब यहाँ बैक साइड दोरी में लटकन अटैच कर लेंगे और बॉटम में नीचे टैसल्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने टैसल्स और लटकन अटैच कर लिए हैं और अब हमारा धोती टॉप रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।